हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है थोड़ा? अज मैं फिर डोगरी व्लॉग डोगरी हिंदी मिक्स बनाना। तो अज मैं आए दा इस वेल्ले 10:30 हो जाते हैं, तो मैं हॉस्टल आए दा। देखो हॉस्टल आए दा मैं अपनी बिल्डिंग चा इधर। तो मैं बस कोई 10-15 मिनट पहले पुजा। अज व्लॉग मैं घर नहीं स्टार्ट किया क्योंकि मैं दसना भी है रोज़ रोज़। तो अज हूँ बस मैं कुछ खाधा भी नहीं है सवेरे का। मैं जाना कुछ खाने जाने बाहर कुछ। ये देखो यार कबूतर मैं लेना है, घरे लेना है। मेरे को पिंजरा पेदा बट उसके पीछे नहीं होगी। हेलो, अच्छा ओहो ओ यार इधर को उड़न नहीं आवा था। ओहो इधर हेल्प करना, मैं हेल्प के कर लूँ। इधर नस्सी है, मैं टच की तैसी बस मैं आया इधर। हूँ मैं बाहर जाना। देखो हॉस्टल की सफाई भी होवा दी है। हॉस्टल के बाहर भी बड़ा ज़्यादा गंद होता पहले। मेरे भी रूममेट घर गिरते, एक रूममेट है इधर। तो देखो इधर भी सफाई होवा दी, उधर भी सफाई होवा दी है। चलना फिर मैं उधर जाना है कि खाँ, समझ नहीं आवा दा। चाय चाय भी गर्मी है यार। आइए मैं वापस हॉस्टल। बट यार इधर बड़ी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर। और मैं बस हूँ हॉस्टल रहना, आज कॉलेज जाना नहीं है, पूरा दिन हॉस्टल ही रहना है, पढ़ना है। फिर शायद मैं बाहर भी जा थोड़ी देर घूमने, फिर जिम भी शायद जा। तुसें मैं सारा कुछ दसना है। बस अपने से ही आंदा चिप्स रानी जूस। चलने फिर यार शामी का टाइम होता हूँ, मेरे कन्ने लोन है ज़्यादा, एक गेट तक जाना है ना। बस मैं भी मिकी दीक्षित मोटा बुला दा कि आ बाहर आ बाहर आ। चल मिकी भी कोई कंटेंट नहीं मिलता फिलहाल तक, तो मैं चलना ओहदे कन्ने चक्कर लाने। बाहर वेट करा दा, चलने फिर दिखने किधर जाना है। ठीक है अरे क्या हाल है? ठीक है अब तेन नहीं मिलाते हाथ। चल किधर जाना? चल फिर फिर दीक्षित मिगी इधर लेके आता केके बिरला पार्क। वीडियो बिच किन्ना मैं वो वाला फील दसा जेड़ा मैं इस वेले करन ना वीडियो वन बोल तो फिर द इंट्रोडक्शन। हवा तो नहीं दिख सकती आपको, मुझे भी नहीं दिख रही है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. अब हम जा रहे हैं दुकान पे कुछ खाने के लिए। दीक्षित मोटा हमें खिला रहा है। क्या क्या खिला रहा है तुम्हें? गुलजार के पास ले जा रहा है। इधर लोकेशन चेक करो यार, मतलब कैंड आज तो इतना सही हानी व्यू इधर पार्क का, मतलब हवा चला दी ऊपर का, ये फॉरेस्ट जो लगे थे, मतलब इन्नी कैंड पानी पवा दी उपर। तो हूँ अस जाने फिर उधर चलने, तो दिखाना मैं किधर है। बोलता बड़ा कैंट मुर्गा बना, बट साढ़े उधर इन्ना कैंट नहीं है इधर तो। चल ठीक है इसी वही कैंट लगता। चल और कोई वीडियो नहीं बनानी है, ठीक है चुप करिए चल जाना था। मैं डिलीट करनी है, पहले दी वीडियो डिलीट कर दी मैं क्योंकि मेरी स्टोरेज प्रॉब्लम होती है। मैं नवा फोन लिया ना हूँ। ये देखो भेजेगा, चल जा भेजेगा नहीं तू लेनी कितने बच्चे ड्रामे करो थोड़े। देखो जगह देखो पहले आप, ये देखो कितनी अच्छी लोकेशन है। और देखो सामने कूलर लगा हुआ है, पंखा भी उसके बीच लगा हुआ है। हाँ पंखा और कूलर। और ये देखो ये पता इसको डोगरी में बोलते हैं खड़ खड़ बोलते हैं इस चीज को, एक घास है ना जो। और ऊपर देखो पंखा, ऊपर टीन है। और इसकी वजह से ना गर्मी नहीं लगती है, मतलब हवा ठंडी आती है इसकी वजह से। और देखो कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है। केड़ी गेम तो पढ़ना वे
ਉਹ ਗੇਮ ਤੋਂ ਪੜਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ चिकन आ गया, चिली चिकन चेक कर सकते हो आप, देखने में तो टेस्टी लग रहा है। तो अभी हम वापस जा रहे हो, चेक दिस व्यू गाइस, ये देखो यहाँ का व्यू, गुरुद्वारे का व्यू है और ये नहर, ये ड्रीमलैंड पार्क वाली नहर है। तो मैं तो वापस हॉस्टल जा रहा हूँ और रास्ते में देखते हैं। माय ड्रीमलैंड पार्क, ये देखो बार बार कहता था ना कि ड्रीमलैंड में पानी आएगा इतना पानी आएगा उतना पानी आएगा, तो चेक करो गाइस पानी आ गया है। ये देखो उधर से दिखाता हूँ मैं, ये देखो गाइस चेक करो यार। कल का व्लॉग मैं बनाना इधर, क्योंकि इधर नहाना मैं, कल पेपर देखिए इधर ही नहाना, तो मैं इधर का व्लॉग दिसेगा। ये देखो यार बड़ा पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है। ओ भाई है तो कम है, ये देखो प्रेशर। ओ भाई प्रेशर देखो यार, ये देखो यार ये कितना, ये है ड्रीमलैंड पार्क, इसकी वजह से मशहूर है ये। नहीं तो ये जो है ना ये लाश हुई, हाँ ये पोडियस के ऊपर तक पानी आता है, पानी देख लो ये कितने, अभी कम हो गया, इतने था जो निशान है ना गिला हुआ है, जहाँ तक वहाँ तक लो। इधर प्रेशर कितना यार, कल का व्लॉग में बनाना इधर है, इधर ही नहाना है तो दिखाऊंगा आपको भी। ये देखो प्रेशर बहुत है इसमें, बहुत ही तेज पानी है, तो कल मैं लड़कों भी हॉस्टल में जो भी हैं उनको लेके आऊँगा ना इधर। ये देखो यार कल मैं वैसे सोच रहा था कि कल हम स्विमिंग पूल में जाएंगे, जो इधर स्विमिंग पूल है ना, तो मैं वहाँ का कैंसिल, मैं यहाँ ही आऊँगा। कल हम इधर आएंगे मगर अगर वो होगा मौसम साफ होगा तो, धूप होगी ना तो आएंगे। गाइस मैं आ गया हूँ हॉस्टल में और ये जा रहा है अपने घर। चल ठीक है फिर कल मिलते हैं, ठीक है कल पेपर आ जाना टाइम से। चल बाय। तो मैं जा रहा हूँ हॉस्टल के अंदर और रूममेट मेरे मंजीत बोल रहा था कि मैं आ जाऊँगा शाम तक, बट मुझे नहीं लगता वो आएगा क्योंकि हर बार झूठ ही बोलता, उससे क्या ही ट्रस्ट करना। और कुरमीत उसका पता नहीं रात कहाँ बिताता है, वो दिन कहाँ बिताता है। और चलते हैं फिलहाल देखते हैं। अभी मैं आ गया हूँ हॉस्टल में और आज हॉस्टल में ना कोई भी नहीं है रूममेट मेरा, अकेला हूँ मैं, तो अकेला ही रहूँगा। और क्या कहते हैं उसको, मैं आ रहा था और मुझे वार्डन मिले, उन्होंने मुझे हॉस्टल के व्लॉग बनाने के लिए मना किया थोड़े दिन के लिए, वो सीन हो गया ना उसकी वजह से। तो अभी मैं आपको हॉस्टल का कमी दिखाऊंगा, तो कल मैं वहां जाऊंगा ना आपको पता है, तो मैं कल वहां का दिखाऊंगा, ठीक है वो भी कैंड व्लॉग होगा। तो अभी डिनर वगैरह करना है और मैं IPL में मैंने वो लगाई थी टीम और एडिट करने का टाइम नहीं लगा, मेरे प्लेयर ही नहीं खेल रहे हैं, तो अभी बस खाना वगैरह खाना है और थोड़ा पढ़ना भी है यार, फिर व्लॉग भी एडिट करना है, कल पेपर है, पेपर देके वहाँ जाएंगे हम। तो मैं कल ही मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो बने रहना आप साथ में, मतलब सब्सक्राइब करना। और 1 बजे व्लॉग आता है, आज ये व्लॉग मेरा लेट हो गया था जो डाला, क्योंकि वो नेटवर्क, इधर मेरा नेटवर्क ही बहुत कम है, तो कोई बात नहीं, न्यू फ़ोन ले रहा हूँ मैं तो उसमें शायद ठीक होगा। तो मैं मिलता हूँ अभी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, बाय बाय।